हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से खेलने वाले पाल वर्क, जहां पे हमारे पास होने वाला है अनुबिस, और अनुबिस की फाइट हम लोग कराएंगे अलग अलग पालों से। और गाइस, ये जो हमारे पास अनुबिस होने वाला है, ये कोई ऐसा वैसा अनुबिस नहीं होने वाला है। इसके पास बहुत सारे स्पेशल मूव्स होने वाले हैं। तो हाँ गाइस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 500 सब्सक्राइबर के। तो हाँ, चलते हैं फटाफट से, मैनेस्टिंग को स्पॉन करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मैनेस्टिंग को स्पॉन कर दिया है, जो कि 50 लेवल का है। और गाइस, ये तो मेरे ऊपर अटैक भी करने लगा। देखते हैं अनुबिस कैसा फाइट लेता है। वो भाई सब शुरुआत में ही अनुबिस ने इसको जमा दिया है। और गाइस, ये जो मैनेस्टिंग है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा पाल है, जो कि ग्राउंड टाइप पाल है। तो देखेंगे कि अनुबिस क्या इसको हरा पाएगा। और गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अनुबिस के पास बहुत सारे अलग अलग स्पेशल मूव्स है। तो गाइस हाँ, अनुबिस को मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है। देख सकते हो आप लोग, वाटर टाइप भी इसके पास अटैक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है मैनेस्टिंग को। और गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना अनुबिस जीतने वाला है वाला फाइट, क्योंकि गाइज अपन लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मैनेस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा डैमेज ले रहा है अनुबिस के अटैक से। ओके, लग रहा है मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। तो गाइज देख सकते हो आप लोग, अनुबिस फिर से ग्राउंड टाइप वाला अपना अटैक कर रहा है, और गाइज अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा है मैनेस्टिंग को। और गाइज इस बार वाटर टाइप मूव यूज़ कर रहा है अपना अनुबिस, देखते हैं कितना डैमेज है। वो भाई साहब अच्छा खासा डैमेज दिया, लगभग 250 से 300 का डैमेज पड़ा है। और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अपना अनुबिस है, इसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। ओके गाइज, अपना अनुबिस फिर से ग्रास टाइप वाला मूव यूज़ कर रहा है, देखते हैं। वो भाई साहब इस बार तो इसको बांध दिया गाइज। एंड गाइज अगेन वाटर टाइप मूव। वो भाई साहब अच्छा खासा डैमेज दे रहा है, मैनेस्टिंग शायद से हार जाएगा गाइज ये वाली फाइट, क्योंकि मैनेस्टिंग के जो अटैक्स हैं काफ़ी ज़्यादा कम डैमेज कर पा रहे हैं अपने अनुबिस को। और गाइज अनुबिस अच्छा खासा डॉच कर रहा है इसके अटैक को। फिलहाल गाइज दोनों में अच्छी खासी फाइट हो रही है। अनुबिस अपना फिर से ग्रास टाइप मूव यूज़ कर रहा और फिर से वाटर टाइप मूव, लेकिन भाई साहब इस बार अनुबिस इसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया, और मेरे ऊपर ये पता नहीं कौन सा ग्राउंड टाइप अटैक कर दिया मैनेस्टिंग। और शायद से गाइस अपना अनुबिस जीतने वाला है। फिलहाल गाइस दोनों में अच्छी खासी फाइट हो रही है, और अनुबिस इसको ऑलमोस्ट 50% एचपी पे लेके आ चुका है। तो दोबारा से वाटर टाइप मूव गाइस, ये अच्छा खासा डैमेज करता है ये वाला मूव अनुबिस का। और गाइस अनुबिस के पास एक और अटैक है, आइस वाला अटैक, जिससे जमा देता है बार बार मैनेस्टिंग को। अच्छा खासा डैमेज हो रहा है मैनेस्टिंग को फिलहाल इस समय, और इसका अटैक से अच्छा खासा डॉज भी कर रहा है अपना अनुबिस। के गाइस दोबारा से वाटर टाइप यूज़ कर रहा, और भाई साहब वो भी सैंड टोर्नेडो यूज़ किया इसके ऊपर, अनुबिस को भी डैमेज हुआ है। फिलहाल गाइस अनुबिस आइस टाइप मूव यूज़ कर रहा, इसमें भी अच्छा खासा डैमेज है मैनेस्टिंग को, अच्छा खासा डैमेज हो रहा है। और हाँ गाइस, ये बार बार हमारे ऊपर भी अटैक कर रहा, तो हमको भी बच के रहना है, वरना मैच यहीं पर फिनिश हो जाएगा। और गाइस अनुबिस अच्छा खासा डैमेज डॉज कर रहा है इसका। फिलहाल गाइस दोनों में अच्छी खासी फाइट देखने के लिए मिल रही है हम लोग को, लेकिन गाइस अपना अनुबिस मैनेस्टिंग के ऊपर भारी है गाइस, क्योंकि देख सकते हो आप लोग, मैनेस्टिंग अनुबिस को जरा भी डैमेज नहीं दे पा रहा। फिलहाल गाइस मुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के फाइट के बीच में मुझे डैमेज हो जा रहा है बार बार। और गाइस मैनेस्टिंग को तो गंदा मार रहा है अपना अनुबिस। शायद से अनुबिस जीतने वाला है मैच, क्योंकि देख सकते हो आप लोग, मैनेस्टिंग के एचपी ऑलमोस्ट 30 HP के आसपास है। और गाइस ये वाला अटैक तो हाई ओपी है यार इसका। और गाइस शायद ये वाला अटैक के बाद मैनेस्टिंग मर जाना चाहिए, देखते हैं क्या ये बचता है या मर जाता है। फिलहाल गाइस ये बच चुका है, लेकिन ये वाला अटैक देखते हैं बचता है कि मरता है। इससे भी बच गया गाइस, देखते हैं इस वाले अटैक से बचता है या मरता है। और गाइस इस अटैक के साथ मैनेस्टिंग मर चुका है, और अपना विजेता हो चुका है अनुबिस, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसका फाइट कराते हैं अपन लोग कैटरेस से। तो गाइस कैटरेस को मैं यहाँ पे स्पॉन कर चुका हूँ, 50 लेवल का कैटरेस है, और इसका फाइट कराने वाले अपन लोग अनुबिस से। तो मैं भेजता हूँ अनुबिस को। ओके गाइस दोनों में फाइट स्टार्ट हो चुकी है। कैटरेस को डैमेज अच्छा खासा गाइस अनुबिस के ऊपर, लेकिन अपने अनुबिस का डैमेज उससे भी ज़्यादा है कैटरेस के ऊपर। के तो इसके पास फायर टाइप अटैक है, जिससे अनुबिस जल चुका है फायर टोर्नेडो वापस से, लेकिन गाइस बगल में आइसिकल स्पेयर मारा अपना अनुबिस, जिससे कि कैटरेस भी जम चुका था गाइस। फिलहाल गाइस मुझे इसके अटैक से बच के रहना है। ओके तो गाइस दोनों में अच्छी खासी फाइट देखने के लिए मिल रही है हम लोग को। कैटरेस के पास फायर टाइप मूव है, और अपने अनुबिस के पास आइस टाइप एंड वाटर टाइप मूव है गाइस। तो हाँ गाइस, हमारा अनुबिस इसके ऊपर भारी होने वाला है,
बस अब ये देखना कि अपना अनुबिस इसको किस तरह से हराता है, कैसे कैसे इसके अटैक को डॉच करता है। ओके सिट सिट, ये तो हमारे ऊपर अटैक करने लगा, बचना पड़ेगा। ओ भाई साहब कैटरस के पास तो खतरनाक वाला अटैक है गाइस, कैसे बचेंगे इसके अटैक से। फिलहाल तो गाइस अपना अनुबिस के ऊपर अच्छा खासा डैमेज दिया कैटरस, और गाइस अभी अपने अनुबिस की बारी है, देखते हैं अनुबिस कितना डैमेज देता है। और सिट गाइस अनुबिस का डैमेज तो काफी ज्यादा कम है इसके बदले, लेकिन गाइस जीत सकता है अपना अनुबिस। अपना अनुबिस भी गाइस किसी से कम नहीं है, इसके पास भी अच्छे अच्छे मूव्स हैं, तो गाइस अनुबिस जीत सकता है क्योंकि इसके पास ना डॉच पावर ज्यादा है, ये ज्यादा इसका डिफेंस है। फिलहाल गाइस अनुबिस वाटर टाइप यूज कर रहा है, देखते हैं कैटरस को कितना, वाटर टाइप से भी बहुत कम डैमेज हो रहा है कैटरस को, तो हाँ गाइस डिफेंस के वजह से अनुबिस जीत सकता है। बस फिलहाल ग्रास टाइप यूज कर रहा है, और गाइस इस बार अच्छे से लगी है इसको, तो अच्छा खासा डैमेज हुआ है इस बार। आइस टाइप अटैक, ओके 265 के डैमेज दे रहा है आइस टाइप अटैक, और फिर से अपना अनुबिस वाटर टाइप यूज कर रहा है, कैटरस अपना फायर टाइप यूज कर रहा है, फिर से गाइस अपना अनुबिस ग्रास टाइप का लेजर यूज कर रहा है, और गाइस अच्छा खासा डैमेज पड़ा है फिर से कैटरस को, और गाइस अनुबिस तो पूरा धुआं धुआं कर दे रहा है एरिया को। और भाई साहब इसके पास तो अच्छा खासा फायर टाइप अटैक है, जिससे अनुबिस को अच्छा खासा डैमेज हो रहा है, लेकिन अनुबिस की एचपी बहुत कम गई है अभी तक, तो हाँ गाइस अनुबिस जीत विनर होने वाला है। और गाइस अभी देखना अनुबिस का डिफेंस कितना तगड़ा है, देखो गाइस कितना ज़्यादा इसका अटैक को ब्लॉक कर रहा है अपना अनुबिस, इसीलिए अनुबिस ज़्यादा खास है। और फिलहाल तो मेरे ऊपर आग लगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। ओके गाइस अनुबिस फिर से वाटर टाइप यूज़ किया, लेकिन गाइस कैटरस के पास भी फायर टाइप मूव है। ओके अपना अनुबिस आइसिकल स्पेयर यूज़ किया, आइस टाइप मूव, जिससे अच्छा खासा डैमेज हुआ है। वो सिट सिट आ रहे तो हमारे ऊपर अटैक कर रहा, बचना पड़ेगा, लेकिन अनुबिस ने बचा लिया गाइस, अच्छा खासा डैमेज दे रहा अनुबिस वाटर टाइप अगेन। फिलहाल अभी गाइस कैटरस को वापस से जमा दिया है, और इसी के साथ कैटरस का डैमेज गाइस लगभग 40% एचपी पे आ चुका है। और पता नहीं गाइस बार बार ये मुझे क्यों देखे जा रहा है, पास में आके मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, आई नो दैट मुझे बचना पड़ेगा इसके अटैक से। और गाइस अपना अनुबिस फिर से ग्रास टाइप मूव, क्या ये लगेगा, ओके लगी अच्छी खासी। ओके तो गाइस ये अभी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मुझे बचना पड़ेगा इसके अटैक से, ये वाला गंदा अटैक करता है गाइस। ओके तो गाइस फिलहाल ना अपना अनुबिस इसको अच्छा खासा डैमेज देके ऑलमोस्ट 10 एचपी पे ला चुका है, और शायद से बहुत जल्दी मरने वाला है कैटरस। ओके गाइस फिलहाल ना मरने ही वाला है कैटरस, ओ सिट यार ये तो हमारे ऊपर अटैक कर दिया, बचना पड़ेगा गाइस, ऑलमोस्ट 1 एचपी का है, एक अटैक से शायद ये मर जाएगा, इससे मर जाना चाहिए। ओके शायद ये सर्वाइव कर गया है, एक लास्ट अटैक अनुबिस चल जल्दी मार दे। ओके अनुबिस ने भाई साहब अच्छा वाला फायर अटैक, ओ भाई साहब फायर अटैक से इसने बचा लिया, लेकिन इससे कैसे बचेगा गाइस। इसी के साथ अपना अनुबिस फिर से विनर हो चुका है इस फाइट का। ओके तो गाइस अभी फिलहाल जाने का टाइम आ चुका है, बहुत जल्द पाल वाल के एक घंटे के एपिसोड्स आने वाले हैं, जो भी हमने शुरू से लास्ट अभी तक सरवाइव किया है। हाँ गाइस बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले इस चैनल पे, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।